A very good morning to all my viewers, and let's continue the chapter rational number. And today we'll learn how to add rational numbers. Before starting, I want to ask a question: what is the difference between rational number and fractional number? Rational number or fractional number ke beech difference kya hai? Kitne log hain jiske answer jante hain? Fractional number, aap log se pooch raha hu, students aap log se, theek hai? Dono dikhne mein same hote hain. दोनों पी बाई क्यू के फॉर्म में, यानी दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में होते हैं. फ्रैक्शनल नंबर भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में होता है, और रैशनल नंबर भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में होता है. डिफरेंस ये है, छोटा सा डिफरेंस है कि रैशनल नंबर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो होगा वो इंटीजर्स होगा, और फ्रैक्शनल नंबर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर नेचुरल नंबर होगा. ठीक है, यानी कि आप फ्रैक्शनल नंबर में इंटीजर्स को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर नहीं रख सकते, यानी कि आप -1/2 नहीं लिख सकते हैं फ्रैक्शनल नंबर में, क्योंकि -1 क्या है, इंटीजर है. और रूल क्या कह रहा है कि फ्रैक्शनल नंबर हमेशा नेचुरल नंबर होना चाहिए, इंटीजर नहीं होना चाहिए. यानी आप 2/3 लिख सकते हैं, इट इज़ अ फ्रैक्शनल नंबर, बट इट इज़ अ नॉट अ फ्रैक्शनल नंबर. या आप 7/-3 नहीं लिख सकते, यहाँ 3 क्या हो गया, -3 क्या हो गया, इंटीजर हो गया. यानी कि फ्रैक्शनल नंबर में आप इंटीजर को नहीं रख सकते, जबकि रैशनल नंबर में आप इंटीजर्स को रख सकते हैं, यानी इंटीजर्स को ही रखा जाता है. नेचुरल नंबर को भी रख सकते हैं और इंटीजर को भी रख सकते हैं. ठीक है, यानी कह सकते हैं कि हर फ्रैक्शनल नंबर एक रैशनल नंबर होता है, लेकिन हर रैशनल नंबर एक फ्रैक्शनल नंबर नहीं हो सकता. ठीक है, जैसे -3/5 वो रैशनल नंबर तो है लेकिन फ्रैक्शनल नंबर नहीं है. लेकिन अगर 2/3 वो रैशनल नंबर भी है और रैशनल नंबर भी है. ठीक है, क्योंकि इंटीजर्स तो प्लस में भी होते हैं और माइनस में भी होते हैं. तो ये डिफरेंस याद रखिएगा, बहुत माइनर सा डिफरेंस है और कंसेप्चुअल है. इसके बाद एडिशन की बात करेंगे. एडिशन ऑफ, तो दो तरह के एडिशंस में आते हैं. एक वैसे एडिशन होते हैं जिनका न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर सेम होता है, जैसे आपको ऐड करना है 8/9 + 7/9, तो इसमें बहुत इजी है, आप सीधे 9 लिख देते हैं, क्योंकि सेम नंबर का एलसीएम जो है वो सेम आता है. इन दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो 9 आएगा, और ऊपर वाले नंबर को सिंपल प्लस कर देते हैं, तो 8 और 7 = 15, 15/9. ठीक है, तो इसका अगर यहाँ पे ऐसे माइनस आ जाए, यहाँ प्लस हो यहाँ माइनस आ जाए, तो क्या कीजिएगा? तो 8/LCM तो सेम आएगा 9, 8 यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस आएगा, ये माइनस है तो यहाँ माइनस लिखा जाए. अब देखिए क्या करना है, 8 लिखिए, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो यहाँ माइनस लिखेंगे और 9 इस तरह हो जाएगा, तो 8 में से 7 गया 1, 1/9 आंसर हो जाएगा. ठीक है, क्लियर है? रूल क्या कहता है, आप LCM लीजिए तो सेम नंबर का LCM वही नंबर आता है 9, और 9 1 9 तो 8 1 8, 9 1 9 तो -7 1 -7. यहाँ पे बस प्लस माइनस का ध्यान रखना है. ठीक है, इसमें दूसरा टाइप का क्वेश्चन की वैरायटी क्या होती है कि डिनोमिनेटर डिफरेंट हो जाएगा. ठीक है, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा. जैसे सपोज हो गया 1/3 + 3/4. ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे आप, इसमें क्या करना है, नीचे वाले का एलसीएम लेना है, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना होता है. 3 या 4 का एलसीएम हो जाएगा 12. अब देखिए रूल क्या कहता है, 3 यानी डिनोमिनेटर से एलसीएम में डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर से एलसीएम में डिवाइड करेंगे. तो डिनोमिनेटर 3 है, 3 के टेबल में 12 कितनी बार में आता है, 4 बार में, 3 4 = 12. तो जितनी बार में डिनोमिनेटर से एलसीएम कटेगा, यानी उतनी बार उसके टेबल में आएगा, उस नंबर को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर से. तो 3 के टेबल में 12 4 बार में आ रहा है, तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 × 1 प्लस, अब इस 4 को 12 से डिवाइड करेंगे, तो 4 3 = 12. तो 3 से आया ये 12, 4 से 3 बार में कटा, यानी 4 के टेबल में 12 3 बार में आ रहा है, तो 3 को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 3 = 9. तो 4 ऐसे 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 + 9/12 = 9 4 = 13, 13/12 आंसर हो जाएगा. अगर माइनस में होता तो क्या करते, -3/4 होता तो
माइनस थ्री बाई फोर होगा तो सेम एलसीएम आता, थ्री फोर जा प्लस लिखते हैं यहाँ माइनस नाइन आता, प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस बाई टू, तो आंसर आता माइनस फाइव बाई टू, क्योंकि प्लस और माइनस क्या होता है माइनस, प्लस और माइनस माइनस होता है, तो नाइन में से फोर घटा देंगे। साइन उस नंबर का होता है जो नंबर ग्रेटर होता है, तो नाइन ग्रेटर है फोर से और नाइन के ऊपर माइनस का चार्ज है तो माइनस साइन आ जाएगा, तो माइनस फाइव बाई ट्वेल्व आंसर हो गया। इसमें रूल सेम होता है, थ्री फोर का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद थ्री के टेबल में ट्वेल्व फोर बार में आता है तो उस फोर को वन से मल्टीप्लाई कर देंगे, फोर वन जब फोर, फोर के टेबल में ट्वेल्व थ्री बार में आता है तो थ्री को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो थ्री थ्री जा नाइन, जो माइनस थ्री है तो माइनस थ्री जा नाइन माइनस नाइन, माइनस थ्री थ्री जा माइनस नाइन आ जाएगा, प्लस माइनस यहाँ माइनस हो गया, ब्रैकेट हटेगा तो ये इसके साथ जाएगा प्लस माइनस माइनस। तो ये रूल है एडिशन का। तो आप क्वेश्चन नंबर इसका एक्सरसाइज फोर सी है, क्वेश्चन नंबर वन और टू बना कर रखिएगा, ठीक है। वन सी है एक्सरसाइज, उसका नंबर क्वेश्चन नंबर वन और टू आप बना कर रखिएगा एज अ होमवर्क। अंटिल देन बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर एंड जितनी भी इसकी पांच छह प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव एसोसिएटिव वो करेंगे। Until then, bye bye, have a nice day and thank you very much.